मुंबई को घनी आबादी वाला शहर कहा जाता है। हर दिन एक नया सवेरा, आम आदमी अपने नए सफर पर निकल जाते हैं। कुछ लोग कार से, कुछ लोग लोकल ट्रेन से, तो वहीं कुछ लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं। पर अफसोस, बाइक पर सवार लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं और आए दिन इसी वजह से कई दुर्घटनाएं होते रहते हैं। इसलिए मलाड वेस्ट के नागिन दास खंडवाला कॉलेज के BMM स्टूडेंट ने मिलकर निकाला एक मुहिम। इस मुहिम में 110 स्टूडेंट शामिल थे, जो कि मुंबई के अलग अलग सिग्नल पर खड़े होकर बाइक चालकों को हेलमेट और कार चालकों को सीट बेल्ट पहनकर चलने के लिए जागरूक कर रहे थे। यह मुहिम पूरे मुंबई में 14 स्थानों पर शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट की बातों पर कितने मुंबईकर अपने आप को जागरूक करते हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए नागिन दास खंडवाला कॉलेज के कुछ स्टूडेंट जुहू के सिग्नल के पास खड़े होकर लोगों की सुरक्षा के लिए हेलमेट तथा काफ़ी चीज़ों की सुविधा के लिए खड़े हो गए। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार लोगों की सुविधा के लिए ये लोग तत्पर हैं। जी, आप बताना चाहेंगे किस प्रकार और कितने दिनों से ये मुहिम आपका चल रहा है? हम लोग का आज से ही चालू हुआ है ये। हम लोग के सेफ्टी के मीन्स हम लोग ने सोचा कि सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। हम लोग जो सीट बेल्ट नहीं पहनते, हेलमेट नहीं पहनते, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उनके लिए हम लोग ने ये रोड सेफ्टी कैंपेन किया है, जिससे हम लोग को पता चला है स्टैटिस्टिक्स से 2001 से 2009 के बीच में सबसे ज़्यादा मौतें एक्सीडेंट्स की वजह से हुई है। आपसे जानना चाहेंगे कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग मुंबई के टोटल 14 लोकेशन, 14 लोकेशन पे हमारी 10 टीम गई है और हर एक टीम में 10 से 11 जन है। हम लोग सब दो दो तीन तीन लोकेशन पे गए, पैम्पलेट बांटे लोगों में और उसको अवेयर किया कि सीट बेल्ट पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए, फिर ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, सिग्नल जंप नहीं करना चाहिए। वैसे कई और सारी चीज़ें हम लोग ने ड्राइवर और राइडर लोग को एक्सप्लेन की, क्योंकि हम लोग इस देश के नागरिक है तो हमारा कर्तव्य है कि लोगों को अवेयर करें कि इससे एक्सीडेंट होता है और इससे कई ऐसे, जैसे इसने बोला कि 2001 से लेकर 2003 के बीच 900,000 लोगों की डेथ हो गई है एक्सीडेंट की वजह से, जो ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। तो हम लोग ने एक इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को अवेयर करें इसके बारे में। कितने टाइम लगे आपको ये मुहिम तैयार करने के लिए और कब कौन कौन आपको ये उद्देश्य दिया कि ये सब आपको कार्य करना चाहिए? नहीं, हम लोग का हर साल कैंपेन होता है अलग अलग। हम लोग 3 साल से कैंपेन कर रहे हैं। पास्ट ईयर्स में हमने किया था प्लेस फॉर इको पापा के लिए, उसके पहले बेटी बचाओ कैंपेन, उंगली कैंपेन किया था, उंगली कैंपेन, और ये साल हम लोग रोड कैंपेन कर रहे हैं। उसका नाम है मैं भी डरना जरूरी है, कि क्योंकि हम लोग आज जब भी आप चला रहे हो और आप अगर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, आपके घर पे आपके पेरेंट्स है, आपके हस्बैंड है, जो लोग वेट कर रहे हैं, आज जब अगर रूल्स फॉलो नहीं करो, आपको कुछ होता है, तो आज वो लोग भी एक तरह से चिंता करते हैं कि आप घर पे आए। उसके लिए हम लोग बच्चे लोग ने इनिशिएटिव लिया कि आज हम बच्चे बोलेंगे तो हम लोग को लगता है कि सब लोग समझेंगे हम लोग को कि नहीं, आज हम लोग बच्चे कर सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं कर सकते। कितनी प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही है ये सब आपको करने में और क्या कुछ हो रहा है नया? बहुत सारे लोगों ने हम लोग को बोल दिया हम लोग को नहीं पहनना है, हम लोग का हेलमेट चोरी हो गया है, हम लोग के हेलमेट ये हो गए, बट हम लोग ने उन लोगों को बोला कि ऐसा होता है बट मेक श्योर आप करें, ये हम लोग आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि अच्छा हुआ आप लोग ये कर रहे हो, बहुत अच्छा है, ऐसा करना ज़रूरी है। पुलिस वाले लोग करते हैं पर हम लोग जो करते हैं उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बाकी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये सब करने में कितनी परेशानी हो, कितने लोग इसमें आपका साथ दे रहे हैं और कितने लोग आपकी बातों को मानकर हेलमेट पहन रहे हैं? नहीं, मैंने जैसे बताया कि हम लोग की 10 टीम है, हम लोग तकरीबन 100 से 120 जन रहे कि अलग अलग लोकेशन पे। कोई कोई लोग आते हैं तो मैं एक अंकल के पास गया, उसका विंडो मैंने ऐसे ठक ठक नोक किया तो अंकल बोले अभी मेरा दिमाग आउट ऑफ मूड है, आप मुझसे बात मत करो। कोई कोई लोग अच्छे रहते हैं, जैसे यह लड़की को रोज़ मिला, एक आंटी ने उसे रोज़ दिया कि तू अच्छा काम कर रही है, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है एज वेल एज पॉजिटिव रिस्पॉन्स।